हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विदिशा इंडियन किचन में। तो आज हम बनाएंगे बेसन गट्टा, जो बिना लहसुन प्याज का बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब बनती है और बहुत जल्द बन जाती है। तो एक बार ज़रूर हमारी वीडियो, हमारी रेसिपी को बनाकर ट्राई कीजिए और इसे आप रोटी चावल के साथ, पराठे के साथ सर्व कर सकती हैं और खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम बनाते हैं गट्टे की, बेसन गट्टे की सब्ज़ी। तो आज हम बनाएंगे गट्टे की बेसन की सब्ज़ी, बेसन वाली। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो हमने 2 चम्मच, इस चम्मच से 2 चम्मच हमने बेसन लिया है, 1 कप दही लिया है जिसे हमने मिक्सर ग्राइंडर में फेंट लिया है अच्छे से, और गट्टा है इसे हम पहले फ्राई करेंगे उसके बाद बनाएंगे सब्जी, और सरसों का ऑयल लिया है तड़के के लिए, जीरा, अजवाइन और हींग। तो सबसे पहले हम गट्टे को फ्राई कर लेते हैं। हमने सरसों के ऑयल में ही इसे फ्राई करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसमें हम अपना गट्टा फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ा गर्म कर लेते हैं तेल को अच्छे से। हमने गट्टे पहले से ही तैयार करके फ्रिज में रखा हुआ था। तो इसका अगर रेसिपी आपको चाहिए तो आई बटन को क्लिक करके हमारी रेसिपी आप देख सकती हैं। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं, गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है। ये बेसन गट्टा है, हम किसी दिन मसाले वाले भी बनाकर दिखाएंगे सब्जी। ये बहुत हेल्दी होता है, इसमें ज़्यादा कोई मसाला वसाला यूज नहीं होता है। अब बिना लहसुन प्याज का ही इसको हम आज बनाकर दिखाएंगे आप लोगों को। अब बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, लाजवाब, एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो हम सारे गट्टे को इसी तरह फ्राई कर लेंगे। हमने सारे गट्टे को अच्छे से फ्राई, गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है, और कढ़ाई में तेल ज़्यादा था हमने कम कर लिया है, 1 चम्मच के लगभग तेल होंगे। इसमें हम तड़का लगाते हैं, तो जीरा, अजवाइन, 1 पिंच हींग, इसको मिला लीजिए, चला लीजिए। अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें हम डालेंगे पानी। आप अगर तुरंत गट्टा बना रहे हैं तो उसका भी पानी यूज कर सकती हैं। तो अभी हम तो बना कर रखे थे इसलिए हमने सादा पानी ही लिया है। तो 1/2 गिलास पानी इसमें डाल दीजिए, और इसमें डालेंगे हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच भर के हल्दी, तीखा अपने हिसाब से जितना आपको पसंद हो उतना हमने 1 चम्मच डाल दिया है, और इसे मिला लेते हैं। थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं। अब इसमें हम ये बेसन और ये दही को फेंट लेते हैं, थोड़ा सा पानी डालकर बेसन को पहले मिला लीजिए,
उसके बाद इसमें आप दही डाल दीजिए। और दही हमने मिक्सर में फेंट लिया था अच्छे से, आप चाहें तो मिक्सर में ही फेंट लीजिए। ये बेसन गट्टा है, इसमें लहसुन प्याज कोई भी यूज नहीं किए हैं, नहीं खाने में बहुत ही लाजवाब होता है। एक बार ज़रूर बनाकर खाएं, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और फ्रेंड्स और फैमिली में तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसमें हम डाल देते हैं गाढ़ा पतला अपना जितना आपको रखना हो। तो हमने एक गिलास पूरे पानी डाल दिए हैं, अगर गाढ़ी हो लगेगी तो फिर हम आधा गिलास पानी या एक गिलास ऊपर से ऐड कर सकती हैं। अब इसमें एक उबाल आएगा, और इसी में हम डाल देते हैं गट्टा। और नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। फ्लेम को हमने लो रखा है। थोड़ा पानी और ऐड कर रहे हैं हम। आपको जितना गाढ़ा या पतली जिस तरह से रखनी है उतना पानी ऐड कर सकती हैं। अब इसे हम 5 मिनट उबाल लेंगे, बॉईल कर लेंगे। जब हमारा तो देखिए 5 मिनट हो गया है, अगर आप और गाढ़ा करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। ये हम इतना रखेंगे ग्रेवी। ये बेसन गट्टा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, और हमारे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे हम एक नए रेसिपी के साथ, तब तक घर में रहें, स्वस्थ रहें।